हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन फॉर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट स्पोकन एकेडमी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न हाउ टू कमेंट ऑन एनी गर्ल्स पिक एंड हाउ टू अप्रिशिएट एनी गर्ल्स। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड बना रखी है जो कि आपकी जानकारी को और बेहतरीन बना देगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से जाइए वहाँ क्लिक करके देखिए और अपनी इंग्लिश को और बेहतरीन बना लें। अगर आपने देख लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जनरली जब हमें किसी लड़कियों का पिक का तारीफ करना होता है या उनके उनके ड्रेसिंग सेंस का तारीफ करना या उनके अपीयरेंस की तारीफ करना होता है तो जनरली हम लोग बोलते हैं नाइस डीपी, नाइस पिक। ये सब बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और ये नाइस डीपी और नाइस पिक इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ऐसा लगता है क्या कि मानो कि ये राष्ट्रीय कमेंट बन गया हो। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप उससे बेटर तरीके से नहीं जानते कि क्या क्या कमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में मैं आपको कुछ ऐसे कमेंट्स करने का तरीका सिखलाऊंगा, ऐसे तरीका जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बहुत ही शानदार होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है हमारा यू आर सो ट्रेंडी। दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल किसी भी लड़की के पिक के नीचे कॉमेंट आप कर सकते हैं या किसी लड़की को सामने से अप्रिसिएट करने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जब कभी कोई लड़की फैशन के बारे में बहुत ज्यादा जानता और उनका ड्रेसिंग सेंस अकॉर्डिंग टू फैशन होता है कि जो अभी नए नए फैशन आए हैं उनके अनुसार होता है तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर सो ट्रेंडी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर फर्स्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलिए नंबर सेकंड कमेंट देखते हैं जो कि बहुत ही मजेदार है। नंबर सेकंड है योर ब्यूटी हैज नो लिमिट्स। कि इसका इस्तेमाल भी आप किसी गर्ल्स के पिक के नीचे कमेंट करने के लिए कर सकते हैं या तो उसके सामने से अप्रिशिएट करने के लिए कर सकते हैं कि आपकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, आप इतना सुंदर हो, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है, तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं, योर ब्यूटी हैज नो लिमिट। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर सेकंड भी आपको समझ में आए और आप इसे इस्तेमाल भी करेंगे। नंबर थर्ड है हम लोग का योर ब्यूटी हैज नो बाउंड्री। इसका अर्थ भी सेम उसी तरीके से होता है और जब कोई लड़की जरूरत से ज्यादा सुंदर या उसकी पिक बहुत ज्यादा सुंदर हो, ठीक है, तब वहां पे कमेंट करने के लिए कर सकते हैं, कमेंट करने के लिए या अप्रिसिएट करने के लिए। अगर सामने से होंगे तो अप्रिसिएट करेंगे या तो कमेंट के नीचे लिखना होगा तो योर ब्यूटी हैज नो बाउंड्री, कि आप इतना सुंदर है कि इसका कोई सीमा नहीं, मतलब हद से ज्यादा आप सुंदर है। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कमेंट के लिए या अप्रिसिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर थर्ड बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नंबर फोर देखते हैं। नंबर फोर फ्रेंड्स, नंबर फोर है हम लोग का सच चार्मिंग पिक। इसका कहने का मतलब होता है कि जब किसी का पिक्चर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, डीपी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता हो तब इसका इस्तेमाल करें, मतलब आकर्षक लगता हो, मन मोह लेने वाला लगता है, हिप्नोटाइज करते ऐसा पिक्चर, तब आप इसका इस्तेमाल करें, सच चार्मिंग पिक। इस कॉमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पिक्चर के नीचे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल पिक्चर के नीचे ही करते हैं, सच अ चार्मिंग पिक, बहुत ही आकर्षक पिक्चर, बहुत ही आकर्षक फोटो है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट है नंबर फाइव है दिस इज सो डोप। इसका ऐसा तो जनरली डोप का मतलब नशा होता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल जब कभी ऐसा कहना हो कि ये पिक्चर और ये फोटो इतना नशीला है कि जिसे देखते ही दिल में उतर गए, जब कभी ऐसा कहना हो कि आप ये पिक्चर इतना नशीला दिख रहा है, इतना नशीला कि एक देखते ही दिल में उतर जाए लोगों को, तब उसको दिस इज सो डोप, या पिक्चर बहुत नशीली है या नशीला है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर फाइव कमेंट भी आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है, और ये सारे बहुत ही ट्रेंडिंग है। और ये जो नंबर फाइव मैंने बताया दिस इज सो डोप, दिस इज माई फेवरेट वन, ये मेरा फेवरेट है, और आप भी कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं नंबर सिक्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग का This picture is lit. इसका lit एक यहाँ पे स्लैंज होता है और इसका अर्थ होता है बहुत ही बढ़िया। आप इसका इस्तेमाल किसी पिक्चर के नीचे कमेंट करने के लिए या कमेंट लिखने के लिए कर सकते हैं कि जैसे किसी ने फोटो अपना डाला, किसी ब्यूटीफुल गर्ल ने अपना फोटो डाला, ठीक है, और उसके नीचे आपको कमेंट करना है कि ये जो पिक्चर है ना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, तो वहां पे नाइस डीपी, ब्यूटीफुल पिक, ये सबसे काम नहीं चलेगा, उसको और थोड़ा बढ़िया करना है, इंप्रेशन जमाना है, तो यहाँ पे लिखें दिस पिक्चर इज लिट, यह पिक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अब समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर पटोला। अब कोई
गर्ल्स अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी अगर अपना पिक डालते हैं और वहाँ पे आप लिखना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर पटोला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है वो एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन पटोला एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, पटोला एक पंजाबी वर्ड है जिसका अर्थ होता है लड़की, वो खूबसूरत लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉपर पटोला, इसका इस्तेमाल आप कॉमेंट के करने के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग का एंजेलिक। एंजेलिक जैसे कि कोई लड़की जब बड़ी जैसे दिखती हो, जब उसने अपना पिक डाला हो तो उसको तारीफ करना, आप सामने से अप्रिशिएट करना हो, ठीक है, या तो कमेंट में लिखना हो कि आप बिल्कुल पड़ी जैसे दिख रही है, तो वहाँ पे हम लोग एंजेलिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप फेसबुक पर आपको देखने को मिलता होगा एंजल प्रिया, एंजल पूजा, तो इस तरह का अगर कोई फेसबुक को अपना डालता है तो वहाँ पे आप एंजेलिक का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है एंजेलिक, जो परियों जैसे दिखती हो, आपको ऐसा फील आता हो कि एक परी जैसे दिख रही, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे एंजेलिक। नेक्स्ट है फ्रेंड हम लोग का एलिगेंट पिक। एलिगेंट कहने का ही मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तब आप कहते हैं एलिगेंट पिक। इसका इस्तेमाल जनरली लोग सेलिब्रिटी के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने इंप्रेशन को बनाने के लिए, अच्छा कमेंट करने के लिए आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह उसके साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब एलिगेंट पिक, जब किसी पिक्चर को बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलिगेंट पिक। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर ये भी समझ में आ गया होगा, एलिगेंट पिक भी समझ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग का हाउ गॉर्जियस। हाउ गॉर्जियस इसका मतलब कितना सुंदर, मतलब कोई जब बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको लग रहा है तब वहाँ पे कर सकते, ये जरूरत से ज़्यादा खूबसूरत है, तो हाउ गॉर्जियस कितना सुंदर, मतलब इतना सुंदर कि इससे पहले आप नहीं देखो, आप सरप्राइज्ड हो, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कमेंट करने के लिए, अप्रिसिएट करने के लिए, हाउ गॉर्जियस कितना सुंदर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का यू आर सो क्लासी या यू आर क्लासी। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और इसका इस्तेमाल ऐसा कहना हो कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, या बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, या बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका बहुत ज़्यादा स्टाइल फैशनेबल है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं यू आर सो क्लासी या यू आर क्लासी। फ्रेंड्स ये भी अप्रिसिएट करने का और कमेंट करने का बहुत ही शानदार तरीका है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग का यू आर सच अ स्टनर। यू आर सच अ स्टनर, जब कोई लड़की का पिक या कोई लड़की आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है और उसके नीचे आप पिक के नीचे कमेंट करना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी आपका दिल अंदर से नहीं मान रहा कि मैं ब्यूटीफुल लिखूं, क्योंकि ये शब्द कम पड़ जा रहा है ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे आप उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यू आर सच अ स्टनर, कि आप बहुत ज़्यादा कर सको, मतलब ब्यूटीफुल से दो लेवल ऊपर। तो जब कभी आपको ऐसा फील आए कि यहाँ पे मैं ब्यूटीफुल ना लिखे कुछ और ज़्यादा कुछ अलग टाइप करूँ, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं यू आर सच अ स्टनर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग का वंडरफुली किलर। वंडरफुली किलर, वंडरफुल, वंडरफुली किलर कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा कातिलाना, कि आप इतना खूबसूरत लग रहे हो कि आपको साथ कत्ल तक माफ है, मर्डर तक माफ है। जब कभी ऐसा कहना कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो और आपका जो ये पिक भी है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, तब आप वहाँ पे कह सकते हो वंडरफुली किलर, मतलब समझ लीजिए कातिलाना, जो कत्ल तक कर दे किसी का, इतना सुंदर आप दिख रहे हो, इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट है सच अ स्लेयर युवा। सच अ स्लेयर युवा, स्लेयर या स्लेयर यहाँ पे एक स्लैंज होता है जिसका अर्थ कातिल होता है, लेकिन यहाँ हम लोग खूबसूरत के सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सच अ स्लेयर युवा, इसका अर्थ ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा कातिल दिख रहे हो, मतलब आप इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो कि समझो कि एक तरह से लोग कत्ल हो जाएंगे जिस नज़रों से आप देखते हो। तो जब कभी आपको किसी की ब्यूटी की तारीफ करनी हो, कि उन पे कमेंट करना हो, या तो किसी को सामने से अप्रिशिएट करना हो, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं सच अ स्लेयर यू आर, क्या कातिल लग रही हो आप, क्या खूबसूरत लग रही है आप। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, जो भी मैंने आपको सिखाया, वो बहुत आपके काम आएंगे, आप कमेंट करने में आपको आसानी होगा, किसी के अप्रिशिएट करने में आसानी होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये मेरा वीडियो, बाकी में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।